Hello friends, let's do he, she, it today. Previously we had done I. और इसी को समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड में एक डायग्राम बनाया है, उसको चलिए फॉलो कीजिए. देखिए, अगर इस एक्सरसाइज को हम लोग जेंडर लाइन से पकड़े तो इसको इस तरीके से समझेंगे. जेंडर हमें पता है या लिंग, ये चार प्रकार के होते हैं. क्योंकि हम लोग तीन प्रकार को लेके पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने तीन लिखा है. एक हुआ मेल मैस्कुलाइन यानी कि पुलिंग, फीमेल फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग, और न्यूटर जेंडर हो गया आपका नपुंसक जेंडर. तो हम लोग जिन शब्दों से कोई जीव का पुरुष होने का बोध होता है उसके लिए हम लोग ही यूज करते हैं. स्त्रीलिंग होने का बोध होता है उसके लिए हम लोग शी यूज करते हैं, और जिनका कोई पुरुष या स्त्री होने का बोध नहीं होता है या फिर वो वस्तु है, वस्तु तो निर्जीव होता है ना, तो उसके लिए भी हम लोग इट इस्तेमाल करते हैं. और उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने एक एक सेंटेंस लिखा है. जैसे देखिए, मैंने लिखा है ही इज राजू, वह राजू है. नाम राजू से हमें पता चलता है कि वो पुरुष है या लड़का जाति का है. सो आई हैव रिटन ही इज राजू. शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है. क्योंकि बहन तो एक स्त्रीलिंग या स्त्री जाति के लिए यूज किया जाता है, वैसे वाले शब्द है, इसलिए मैंने लिखा है शी इज माई सिस्टर. अब यहाँ देखिए, लुक एट दैट क्रो, इट इज ब्लैक. क्रो इज कौवा ना, तो देखो कौवा को, वह कितना काला है. तो क्योंकि एक कौवा का स्त्रीलिंग होना या पुलिंग होना हम नहीं बता पाते हैं देख के, इसलिए लिखे हैं इट. ओके, अब नीचे और एक सेंटेंस लिखा है. यहाँ कलम पेन के विषय में लिखा हुआ है, क्योंकि कलम एक निर्जीव चीज है, ये एक वस्तु है ना. सो यहाँ भी हम लोग इट लिखेंगे. दिस इज ए पेन, इट राइट्स वेल. यह एक कलम है, यह अच्छा लिखता है. तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग वह भी हिंदी में लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं. अब चलिए, ये हो गया एक लाइन. अब ये दूसरी लाइन तरफ जाते हैं. दूसरी तरफ का एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि प्रीवियस डे हम लोग एक लेसन किए थे जिसमें हम लोग पढ़े थे, विषय था आई, जिसमें आई इस्तेमाल होता है खुद को संबोधित करने के लिए, और ये पहला व्यक्ति यानी कि फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सेकेंड पर्सन या से दूसरे व्यक्ति के लिए हम लोग तुम तुम्हारा, जैसे यू योर्स हम लोग इस्तेमाल करके बात करते हैं. और आज हम लोग जो विषय से डील कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन, और वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, मात्रा में एक होना चाहिए, तब हम लोग ही का इस्तेमाल करते हैं, शी का इस्तेमाल करते हैं, और इट का इस्तेमाल करते हैं. तो ये मेरी तरफ से एक कोशिश थी आप लोग को ये लेसन थोड़ा सा और अच्छा से समझाने के लिए. चलिए अब रीडिंग करूंगी और साथ में एक्सप्लेनेशन. गीता इज ए गर्ल, गीता एक लड़की है. शी हैज ए डॉल, उसके पास एक गुड़िया है. शी प्लेज विद द डॉल, वो गुड़िया के साथ खेलती है. लुक एट गीता, गीता को देखो. शी रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ती है. शी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है. रवि इज ए बॉय, रवि एक लड़का है. ही हैज ए बॉल, उसके पास एक गेंद है. ही हैज ए हैट टू, उसके पास एक टोपी भी है. लुक एट रवि, रवि को देखो. ही जम्प्स ऑन द बेड, वह बिस्तर पर कूदता है. ही इज ए नॉटी बॉय, वह एक नटखट लड़का है. किटी इज ए कैट, किटी एक बिल्ली है. इट इज वाइट, वह सफेद है. इट हैज अ कैप, उसके पास एक टोपी है. डैनी इज ए डॉग, डैनी एक कुत्ता है. इट इज ब्लैक, वह काला है. इट हैज ए बोन, उसके पास एक हड्डी है. तो ये रीडिंग और एक्सप्लेनेशन थी. बोर्ड में क्वेश्चन आंसर्स है, चलिए इसको करते हैं. क्वेश्चन ए, व्हाट डज गीता प्ले विथ? गीता प्लेज विथ हर डॉल. नेम टू थिंग्स दैट रवि हैज. आंसर, रवि हैज ए बॉल एंड ए हैट.
What is the color of Danny? Danny's color is black. What is the color of Kitty? Kitty's color is white. तो क्वेश्चन आंसर के बाद हम क्वेश्चन आंसर के बाद एक्सरसाइज टू टेक द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग. तो सही सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है, सॉरी सेंटेंस नहीं वर्ड को. तो यहाँ दो ऑप्शन दिया गया है, वह हिंदी में ही एंड शी. तो हम लोग यहाँ लड़की वाला या स्त्रीलिंग बोध कराने वाला वह यानी जो हुआ शी उसको टिक करेंगे. तो यहाँ टिक कर दिया, शी इज गीता, ही इज राहुल, ही इज रवि, इट इज किटी. किटी एक बिल्ली है पर यहाँ हमें पता नहीं चल रहा है कि वो स्त्रीलिंग है या ना पुल्लिंग है ना. ओके, शी इज ए गुड गर्ल. अब नीचे क्या है, रीड एंड अंडरस्टैंड पढ़िए और समझिए. ही मैंने कहा कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन के लिए भी, थर्ड पर्सन और सिंगुलर के लिए भी यूज किया जाता है और ये पुलिंग होता है. और शी थर्ड पर्सन सिंगुलर और स्त्रीलिंग होता है. तो यहाँ सब शब्द वो है जो पुलिंग के लिए यूज किया जाता है, यहाँ वैसे शब्द है जो स्त्रीलिंग जाति के लिए यूज किया जाता है. बॉय, फादर, ब्रदर, अंकल, सन, किंग, ग्रैंडफादर, मैन, ये हुआ आपका पुलिंग शब्द. गर्ल, मदर, सिस्टर, आंट, डॉटर, क्वीन, ग्रैंड मदर, वुमन, ये हो गया आपके लिए स्त्रीलिंग शब्द. तो ये थी आप लोग के लिए लेसन ही शी इट. थैंक यू वेरी मच. और फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मैं समझूं या जानूं कि मेरी कोशिश जो थी आप लोगों को समझाने के लिए ये सफल रहा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.